आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए कुछ बेसिक सी एक चीज़ लेके आया हूँ, खासकर बॉलिंग के लिए। कई मीडियम पेसर्स ने मुझसे इस बारे में कहा था कि मैं इस चीज़ पर बात करूँ। मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूँ, अभी जो वीडियो आप देखेंगे, उस वीडियो में आप पहले वीडियो में देखेंगे कि जिस लड़की ने बॉल डाला है तो उसका जो पैर मूवमेंट है वो ग्राउंड सरफेस से एकदम लगे लगे बॉलिंग कर रही है, जिसके कारण वो अपनी पूरी बॉडी को एक एक्सेलरेट मूवमेंट नहीं कर पा रही है, जिसके कारण उसकी स्पीड में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। उसका जो पैर मूवमेंट है वो ग्राउंड सरफेस से एकदम लगे लगे बॉलिंग कर रही है, जिसके कारण वो अपनी पूरी बॉडी को एक एक्सेलरेट मूवमेंट नहीं कर पा रही है, जिसके कारण उसकी स्पीड में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। और दूसरा वीडियो जो आप देखेंगे कि दूसरा मीडियम पेसर जब दौड़ रहा है तो उसका ग्राउंड सरफेस लेवल जो बॉल का काफ़ी ज़्यादा वो हाई ले रहा है, जिसके कारण उसकी बॉडी एक्सेलरेट हो रही है और एंड टाइम पे जब वो रिलीज करता है तो उसका पूरा बॉडी लगता है। और दूसरा वीडियो जो आप देखेंगे कि दूसरा मीडियम पेसर जब दौड़ रहा है तो उसका ग्राउंड सरफेस लेवल जो बॉल का काफ़ी ज़्यादा वो हाई ले रहा है, जिसके कारण उसकी बॉडी एक्सेलरेट हो रही है और एंड टाइम पे जब वो रिलीज करता है तो उसका पूरा बॉडी लगता है। तो ये छोटी सी चीज़ है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे अपनी बॉलिंग स्पीड को जनरेट कर सकते हैं और कैसे 5 माइल्स पर आवर जो हम मैक्सिमम देखते हैं कि उसको और कैसे तेज़ी से इम्प्रूव कर सकते हैं, मैं बताऊंगा। ये छोटी सी बेसिक सी चीज़, आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।